हाँ जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अजय एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल पे। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दबा लीजिए बेल आइकन का बटन, जिससे कि आने वाली वीडियो के बारे में आप सभी को पता चल सके सबसे पहले। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 103 इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम के लिए फायदेमंद साबित होंगे ये क्वेश्चन, क्योंकि बार बार एग्जाम्स में यही पूछे जाते हैं। और जिस भी कैंडिडेट को पिछले 102 टेस्ट देखने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहां से आप कवर कर सकते हैं उन टेस्टों को। और उसके अलावा आप टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, 149 रुपये में 15 सेट मिलेंगे, प्रत्येक सेट में 100 क्वेश्चंस होंगे और 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, अनलिमिटेड अटैम्प्ट है। आपके सामने आपका रिजल्ट भी आ जाएगा आप ही के फोन में। पहला हमारा क्वेश्चन है, एक श्रेणी आर एल सी परिपथ में अनुनाद आवृत्ति के ऊपर संचालित हो रहा है तो धारा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? आरोपित विभव के पश्चवर्ती होगी, या आरोपित जो विभव होता है उसके अग्रवर्ती होगी, या आरोपित विभव के साथ समान कला में होती है, या शून्य होती है? बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। एक श्रेणी आर एल सी परिपथ में जो अनुनाद आवृत्ति के ऊपर संचालित हो रहा है तो धारा क्या होती है दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आरोपित विभव के पश्चवर्ती होगी। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनिए, एक श्रेणी आर एल सी परिपथ अनुनाद आवृत्ति के ऊपर संचालित हो रहा है, इसलिए धारा आरोपित विभव से पश्चवर्ती होगी, क्योंकि अनुनाद आवृत्ति से ऊपर जाने पर सर्किट का इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव जो रिएक्टेंस होता है उससे अधिक हो जाता है, क्योंकि परिपथ श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, जिससे कि दोनों धारा समान होती है। इसलिए इंडक्टिव वोल्टेज वी एल बोला जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है, और कैपेसिटिव वोल्टेज जिसको वी सी बोला जाता है तो वो उससे अधिक हो जाता है। समझे आगे होगा आप सी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर, इसके आंसर तो ये क्या होगा? जब संधारित्र का प्लेट क्षेत्रफल बढ़ता है, जब संधारित्र का प्लेट क्षेत्रफल बढ़ता है तो धारिता बढ़ती है, धारिता घटती है, या धारिता अप्रभावित रहती है, या इसके द्वारा रखा जाने वाला प्रतिरोध बढ़ता है? बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। जब संधारित्र का प्लेट क्षेत्रफल बढ़ता है तो क्या होगा दोस्तों? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ए, द कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, मतलब धारिता बढ़ती है इनकी, मतलब ए ऑप्शन हो जाएगा। और इसका सूत्र होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या सी बराबर में सिग्मा जीरो सिग्मा आर ए और भाग डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा? अब बात आती है, एक संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होता है? एक संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होता है? प्लेट्स के मध्य अवरोधक, या प्लेट्स का जो क्षेत्रफल होता है, या तुल्य प्रवेदनांक जिसको परमिटिविटी बोला जाता है, या प्लेट्स के मध्य अवरोधक, प्लेट का क्षेत्रफल और तुल्य प्रवेदितांक, बताइए कौन सा आंसर होगा इसका राइट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मतलब इसके अंदर ए बी और सी तीनों हो जाते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, धारिता बराबर में होता है आवेश बटा विभवांतर, आवेश बटा में विभवांतर। समझे आगे होगा उसी को, यानी समान प्लेटें जो किसी समान पैरा वैद्युतिक माध्यम में हो उस टाइम धारिता बराबर आवेश बटा विभवांतर होता है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है दोस्तों 4 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा? अब बात आती है, एक हाल प्रभाव में पिक अप का प्रयोग इसके मापन हेतु किया जाता है, प्रेशर, टेम्परेचर चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, बताइए कौन सा आंसर होगा? एक हाल प्रभाव में पिक अप का प्रयोग इसके मापन हेतु किया जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मतलब जिसको चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर, इसके आंसर होता है क्या होगा। अब बात आती है एक चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, पीछे से आगे, आगे से पीछे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम से पूछा गया है, नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल, इसी में मार्क खा जाते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, चुंबक के भीतर की बात हो रही है, दक्षिण से उत्तर की ओर होगी और बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर, ये उल्टा होता है हमेशा, क्योंकि जब अंदर की बात आती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर, इसका आंसर होता है क्या होगा। रंग 5 हेतु कार्बन प्रतिरोधों का क्रम क्या होगा, हरा, काला, केसरिया या दूसर जिसको ग्रे बोला जाता है। रंग 5 हेतु कार्बन प्रतिरोधों का क्रम क्या होगा बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हरा होता है इसका रंग। तो अब एक बात सुनिए थोड़ा, रंग 5 का यहाँ पे पूछा गया है, रंग 5 का पूछा गया, हमने बता दिया हरा। तो चलिए शुरुआत से करते हैं, एक होता है 0, 0 से शुरुआत होती है, 0 पे होता है ब्लैक, काला, उसके बाद में 1 पे होता है भूरा, और रंग 1 पे होता है दोस्तों भूरा, जिसको ब्राउन बोलते हैं। उसके बाद में रंग 2 आता है, उस पे होता है रेड, मतलब लाल। इसका एक सूत्र भी होता है बी बी रोए जी बी, समझे आगे होगा उसी को, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 9। अब देखिए 0 पे बी हो गया, मतलब ब्लैक, और उसके बाद में ब्राउन, उसके बाद में रेड, उसके बाद में ऑरेंज, उसके बाद में येलो, उसके बाद में ग्रीन, जो यहाँ पे इसका राइट आंसर हुआ है, समझो आगे होगा आपसी को, और उसके बाद में ब्लू, उसके बाद में पी पर्पल, और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे खाकी रंग हो जाता है, और उसके बाद में सफेद, समझे आगे होगा आपसी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर, इसके आंसर बताइए क्या होगा। सोल्डरिंग में भराव धातु का गलन बिंदु क्या होगा, भराव धातु की बात हो रही है यहाँ पे, भराव धातु को क्या बोला जाता है, फिलर मेटल। 420 डिग्री सेल्सियस के नीचे, 420 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, या 520 डिग्री सेल्सियस के नीचे, या 520 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। सोल्डरिंग में भराव धातु का गलन बिंदु क्या होता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब 420 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है हमेशा इसका टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर, इसका आंसर होता है क्या होगा। किसी भी मशीन में क्वाइल की साइज किसके ऊपर निर्धारित की जाती है दोस्तों, कम्यूटेटर पिच के द्वारा, या यील्ड पिच के द्वारा, बैक पिच के द्वारा, औसत पिच के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट इसका राइट आंसर बताइए। किसी भी मशीन में क्वाइल की साइज किसके ऊपर निर्धारित की जाती है, ये इसका आंसर बताइए अगर किसी को पता है तो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यील्ड पिच के द्वारा, मतलब किसी भी मशीन में क्वाइल की साइज होती है वो यील्ड पिच के द्वारा ही निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है उच्च केवीए वाले अल्टरनेटर को ठंडा करने के काम आता है, वाटर कूलिंग, हाइड्रोजन कूलिंग, ऑयल कूलिंग या एयर कूलिंग। उच्च केवीए वाले अल्टरनेटर को ठंडा करने के काम क्या आता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन कूलिंग। हाइड्रोजन कूलिंग उच्च केवीए वाले अल्टरनेटर को ठंडा करने के काम में आता है, और हाइड्रोजन कूलिंग का लाभ यह होता है कि यह हल्का होता है और इसमें आग लगने का खतरा बहुत कम होता है, और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो एयर की तुलना में अधिक होती है, और इसमें किसी भी फिल्टर की आवश्यकता नहीं होती है, और मशीन का ऑपरेशन कम शोर के साथ ही होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। वह मशीन जो स्टीम टर्बाइन से चलती है क्या कहलाती है। अब बात आती है स्टीम टर्बाइन की, तो टर्बो अल्टरनेटर होता है, या हाइड्रो अल्टरनेटर, या गैसीय अल्टरनेटर, या वाष्प अल्टरनेटर जिसको वेपर बोला जाता है। वह मशीन जो स्टीम टर्बाइन से चलती है क्या कहलाती है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टर्बो अल्टरनेटर ए।
यानी वह मशीन जो स्टीम टरबाइन से चलती है उसको टर्बो अल्टरनेटर बोला जाता है, और वह मशीन जो जल टरबाइन से चलती है उसको हाइड्रो अल्टरनेटर बोला जाता है। तो आज की क्लास आपको कितने परसेंट अच्छी लगी फटाफट कमेंट में टाइप करके बताइए, 100%, 75%, 50% या इससे भी कम। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का प्यार इसी प्रकार से बना रहे हमारे साथ। अजय एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़े, हम भी आपके लिए बेटर क्लासेस लेके आए। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम। और इस प्लेलिस्ट को देख लीजिए, सभी के सभी टेस्ट और सभी क्वेश्चंस आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे हर एग्जाम में।